हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉन्डुचेरी वुमन्स टी20 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर प्रिंसेस वुमन वर्सेस डायमंड वुमन के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियोज़ मिलेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पंजाब टी20 कवर कर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जापान क्रिकेट लीग कवर कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी ग्राउंड 3 पुडुचेरी इंडिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर न्यूट्रल और बैलेंस है। अभी देखो रन यहाँ पर ठीक ठाक बनेंगे, 100-130 रन के आसपास यहाँ पर स्कोर बनता हुआ नजर आएगा आपको। बाकी चेजिंग में यहाँ पर ज़्यादातर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम यहाँ पर टॉस जीत के पहले चेज करना पसंद करेगी, मतलब पहले फील्डिंग करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसेस वुमन की, तो प्रिंसेस वुमन की तरफ से यहाँ पर तो यहाँ से कविशा एलाया पेरुमल के साथ यहाँ पर सयाली अनिल लोंकर ओपनिंग करवा सकते हैं। देखो कविशा यहाँ पर टीम की कप्तानशिप करवा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर टीम की कप्तान यही रही थी और इस बार भी चांसेस यही है कि यही कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप करवा सकते हैं। बाकी कविशा हमारे लिए एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, डेफिनेटली लेके जाना है इनको। टीम की भी कप्तान रहेंगे, हमारी भी कप्तान रहेगी, क्योंकि एक तो यहाँ पर ये ओपनिंग में बैटिंग करने के लिए आएगी, प्लस यहाँ पर 3-4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवाएगी। इससे पहले यहाँ पर पिछली बार पॉन्डुचेरी T10 में वो खेली जहां पर इन्होंने 46-24-30-27 जैसे स्कोर किए, वो भी अपर T10 के अंदर, और साथ में हर एक मैच के अंदर कंसिस्टेंसी से ओवर्स करवाई। हालांकि बॉलिंग से इतनी ज्यादा सफल नहीं रही है, सिर्फ एक ही बार उनको विकेट मिला था। तो यहाँ पर 4 ओवर्स पूरी करेगी तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर बॉलिंग से भी आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकती है। तो एज ए प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस, इनके अलावा ऐसे सयाली अनिल लोंकर भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, डेफिनेटली इनको भी लेके जाना है। तो ये दोनों ही प्लेयर है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पिक है, दोनों में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस दोनों रहेंगी। देखो आज इस मैच की बात करो तो यहाँ पर सीवी पांडे भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। देखो यहाँ पर T10 की बात करो तो T10 के अंदर इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर जो ऊपर नीचे हो रहा था। हालांकि शुरुआत की 1-2 मैचेस के अंदर इन्होंने 1 डाउन बैटिंग की, इसके बाद ये 6th-7th नंबर पर भी बैटिंग के लिए जा रही थी, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये टॉप में बैटिंग करने के लिए आएंगी, 1 डाउन का बैटिंग करेगी, क्योंकि इनके पास बैटिंग से कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। तो उस कंडीशन में आप सीवी पांडे आपको टॉप में बैटिंग करती हुई नजर आएंगी। इनके अलावा से बीवी निहारिका के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन पिछले टूर्नामेंट की बात करिए यहाँ पर T10 की, तो वहाँ पर इनको चांस नहीं मिला था, क्योंकि जिस टीम में खेल रही थी उनके पास यहाँ पर बैटिंग से बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बीवी निहारिका टॉप में बैटिंग करती हुई नजर आ सकती है, तो ये आपके लिए एक पंट प्लेयर रहेंगे ऐसे बीवी निहारिका। इनके अलावा ऐसे सिमरन रशीदी, देखो यहां पर इनके 2 मैच के रिकॉर्ड्स मिले जहां पर इन्होंने 23 रन किए और साथ में 3 विकेट निकाली उन्होंने 8 ओवर की गेंदबाजी करते हुए। यहां पर टीम इनको कैसे यूज करती है ये देखना रहेगा, बाकी आप लोग चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर रेबेका अरुल वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, क्योंकि ये 3-4 ओवर की गेंदबाजी पूरी करवाएगी, प्लस यहाँ पर चांसेस है कि बैटिंग से भी ये 4th-5th नंबर पर आएगी, अच्छी बैटिंग करवा लेती है यहाँ पर, ठीक ठाक बैटिंग यहाँ पर बैटिंग से मतलब यहाँ पर 15-20 रन करती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक रहेगी यहाँ पर रेबेका अरुल। प्रेरणा किणी, देखो प्रेरणा किणी की बात करते हैं यहाँ पर, तो इनको आप लोग डिफरेंशियल में रिस्की तौर पर ही ट्राई करेंगे, क्योंकि कभी इनको बैटिंग से ऊपर चांस मिल जाए वही इनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी परफॉर्मेंस इनका भी T10 का इतना खास नहीं था, तो थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। इनके अलावा ऐसे अबराम रामामूर्ति आर यहाँ पर 3-4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवाएगी, हालांकि ये इनकन्सिस्टेंट, देखो पिछली टूर्नामेंट के अंदर भी एक ही विकेट मिली थी। हालांकि इनके बारे में मैं बताऊँ आपको कि पिछली बार जब T20 के अंदर वो खेली थी तब भी उनका परफॉर्मेंस ऐसा ही था, मतलब पूरी टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने 3-4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवाई, लेकिन विकेट उनको सिर्फ 1 या 2 मैच के अंदर ही मिली थी, तो पूरी
इनकंसिस्टेंट है। इनके अलावा ऐसे अरावा मुथन ओके ओके रहेंगी, इनके अलावा ऐसे शेरली रानी बाबू बी बाबू राम बी, ये इस प्लेयर के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो क्योंकि ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर्स करवा सकती है। पिछले टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत के अंदर इन्होंने एक दो ओवर्स की गेंदबाजी की, इसके बाद ये एक भी ओवर्स की गेंदबाजी नहीं करवा रही थी। यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर दो तीन ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकती है, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। भावी शिवशंकरी रामास्वामी ओके ओके रहेंगी। और बात करें बेंच की, तो बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डायमंड वुमन की बात करते हैं, तो डायमंड वुमन की तरफ से अपर युवश्री कार्तिकेयन के साथ यहाँ पर तेजल हसाबनी से यहाँ से ओपनिंग करवा सकती है। यहाँ पर युवश्री कार्तिकेयन टीम की कप्तानशिप करती हुई दिखेगी आपको, अगर ये कैप्टनशिप नहीं करेंगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर रीना थिरुगनम यहाँ पर टीम की कप्तानशिप करवाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे युवश्री कार्तिकेयन की बात करूँ तो, अभी रिसेंटली ये सीनियर प्लेयरों के साथ भी खेली थी, तो यहाँ पर काफ़ी अनुभवी प्लेयर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए युवश्री कार्तिकेयन को भी हम लोग ट्राई करेंगे। बाकी तेजल हसाबनी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पिक एज अ प्लेयर, ऐसे इनको लेके जाना है। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं ज्योति कडारी, जो कि आपको बैटिंग से ठीक ठाक एडवांटेज दे सकते हैं, प्लस यहाँ पर एक दो ओवर्स की या फिर दो तीन ओवर्स की गेंदबाजी करवाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बैटिंग से इनको ऊपर खेलने का चांसेस मिलेगा, लेकिन बैटिंग से उम्मीद इनसे कम ही रखिएगा, बॉलिंग से आपको दो तीन ओवर्स की गेंदबाजी या फिर तीन चार ओवर्स की गेंदबाजी करती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे कडारी के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड बन सकती है। रीना थिरुगनम वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, हालांकि ये भी इनकंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मतलब और कोई ज़्यादा ऑप्शन है तो उस कंडीशन में यहाँ पर रीना थोड़ा बहुत एडवांटेज बैटिंग या बॉलिंग से आपको दे सकते हैं। इनके अलावा ऐसे यसी प्रेम कुमार पांडे ओके ओके रहेंगी, जीएल में ट्राई करोगे। अंजना बी भी ऐसे ठीक ठाक रहेंगी, हालांकि अंजना बी को अगर चांसेस मिला तो यहाँ पर थोड़े बहुत रन करवा सकती है, हो सकता है यहाँ पर इनको तीसरे चौथे नंबर पर भी चांसेस मिल सकता है, तो एक रिस्क आप लोग यहाँ पर अंजना बी के ऊपर ले सकते हो, स्मॉल लीग में ग्रांड लीग में दोनों ही में। बेदार रगाविका जो कि आपको शायद विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगी, इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहता, ज़्यादातर इनकी बैटिंग आती ही नहीं है। इनके अलावा ऐसे धनुश्री शिवारमन ओके ओके रहेंगी, यहाँ से बात करते हैं अमृता सत्संगी, वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली इनको लेके जाना है, तीन चार ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवाएगी, विकेट टेकर गेंदबाजी है। देखो पिछली बार यहाँ पर T10 की बात करो तो रेगुलर गेंद विकेट्स निकाले थे उन्होंने, इवन इससे पहले भी 6 वनडे के अंदर 16 विकेट है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक ऐसे अमृता सत्संगी है। इनके अलावा ऐसे लीला तेजस्वणी के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, वैसे ये कंसिस्टेंट ओवर्स तो करवाएगी लेकिन विकेट टेकर मतलब यहाँ पर विकेट टेकिंग कैपेसिटी इनकी ठीक ठाक है, देख सकते हैं आप लोग पिछली बार भी यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट ही रहा था और इसके पहले वाले टूर्नामेंट के अंदर भी ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा था इनका। बाकी दिव्या सन्मुखम की बात करते हैं तो इनको डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इनका भी परफॉर्मेंस पूरा सा इनकंसिस्टेंट रहा था। पिछली बार यहाँ पर पोंडुचेरी T10 की बात करते तो वहाँ पर रेगुलर उन्होंने ओवर्स कराए पूरी टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन विकेट से यहाँ पर मतलब वो सफल नहीं रही, तो आप लोग रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी चांसेस है दो तीन ओवर या फिर तीन चार ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकती है। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोग यहाँ से रकाविका कोई ले रहे हैं, हालांकि देखो इनकी बैटिंग तो आएगी नहीं लेकिन और कोई चॉइस है नहीं, दो सारे के सारे यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वो बैटिंग से काफ़ी नीचे आते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग किसी को भी ले सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर युवश्री कार्तिकेयन है, यहाँ पर CV पांडे है, यहाँ पर S अनिल लोंकर हमारी टीम के अंदर रहेंगे। अंजना बी को लिए मैंने लिया एक बड़ा रिस्क है और यहाँ पर T हसबनीस इनसे भी बड़ा रिस्क है, लेकिन दोनों को मैं लेके जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर A सत्संगी शरण के LIA पेरुमल इन दोनों को लिया है, बाकी यहाँ पर कोई खास रिस्क लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर S राशिदी के ऊपर रिस्क ले सकते हो अगर आपको किसी के ऊपर रिस्क लेना है तो। बाकी बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर R थिनुगनम S इनके अलावा ऐसे L तेजस्विनी और R अरुल को मैंने लिया है, अरुल की जगह पर आप लोग ऐसे A रामामूर्ति को ले सकते हैं और इनके अलावा ऐसे ऑप्शन है एक यहाँ पर कदारी, देखो कदारी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है लेकिन ये बंदी कभी भी यहाँ पर कुछ बड़ा परफॉर्मेंस दे सकती है तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर S बाबूराज B को ट्राई कर सकते हो क्योंकि इनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस है कि एक दो ओवर्स की गेंदबाजी इनकी तरफ से भी हो सकती है। तो टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान रहेंगे हमारे यहाँ पर सयाली अनिल लोंकर, वाइस कैप्टन की बात करूँ तो यहाँ पर युवश्री कार्तिकेयन रहेगी हमारी वाइस कैप्टन। अभी देखो पब्लिक चॉइस की बात करूँ तो A सत्संग की करीब 40-45% लोगों की कप्तान है, तो आप लोग चाहो तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टनशिप दे सकते हैं। बाकी LIA पेरुमल है, इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो क्योंकि ये कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ऑप्शंस की बात करो तो स्मॉल लीग के लिए 4 ऑप्शंस है और इन चारों में से आप लोग किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। मैंने सयाली लोंकर को इसलिए कैप्टन किया क्योंकि ये सीनियर प्लेयर के साथ खेली हुई है, आई थिंक एक टूर्नामेंट जस्ट मुझे याद नहीं है लेकिन टूर्नामेंट की बात करते स्मृति मंदना के साथ इन्होंने ओपनिंग करवाया था,
तो वही बात है कि आप लोग इनके ऊपर भरोसा, मेरा भरोसा इनके ऊपर है। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहेगा जो टीम में डेमो है, फाइनल मिलेगी टेलीग्राम में, फाइनल लाइन आपके बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेज के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।